हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फनेल लर्न स्कूल। माय नेम इज अनीता राजपूत। बच्चों कैसे हो सब बच्चे? अच्छे हो बच्चों? और आज हम क्या कुछ नया नया पढ़ने वाले हैं। पढ़ना है ना, हम रोजाना हमारी किताब में कुछ नया नया पढ़ते हैं ना बच्चों। तो हमने बच्चों हमारी किताब में कितने 7 चैप्टर पढ़ लिए, 7 पार्ट हमने पढ़ लिए है ना। तो आज बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं पता है आपको? तो जो आज हमें ना निबंध पढ़ेंगे, निबंध भी हमको आना चाहिए। निबंध क्या होता है? किसी वस्तु को हम देखते हैं, उसके बारे में लिखते हैं ना, वो निबंध कहलाता है। जैसे आपने गाय देखी बच्चों, गाय को देखने के बाद में आप गाय को देख के बता सकते हो ना, गाय के कितने पैर होते हैं, कितनी आँखें होती है, कितने सींग होते हैं, कौन से रंग की होती है। इसी प्रकार से हम आज भी निबंध देखने वाले हैं बच्चों। हम दो निबंध पढ़ने वाले हैं। तो आपको समझ में आया ना निबंध क्या होता है? जैसे स्कूल है हमारा, विद्यालय, तो विद्यालय को देखने के बाद में उसके बारे में लिख सकते हो कि हमारे विद्यालय में हमारे प्रिंसिपल का नाम क्या है, कितने टीचर्स हैं, कितने क्लास है ना, प्लेग्राउंड है, खेलने के लिए मैदान भी है, उसको क्या बोलते हैं? निबंध बोलते हैं उसके बारे में। तो आज उसी प्रकार से हम आज निबंध पढ़ने वाले हैं। ओके, तो पहला निबंध हम बच्चों पढ़ेंगे मोर का निबंध। तो चलो हम पढ़ते हैं। ओके बच्चों, इस निबंध को पर अपने नोटबुक में भी लिखना। तो चलो हम पढ़ते हैं, शुरू करती हूँ मैं। तो देखो बच्चों, आज हम मोर का निबंध देखते हैं। मोर देखा है ना आपने? मोर बारिश के दिनों में कैसे नाचता है, अपनी ढेल फैला कर नाचता है ना, तो मोर। और क्या जानते हो बच्चों मोर के बारे में? मोर क्या है पता है? मोर बेटा पक्षी हमारा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। चलो हम पढ़ते हैं ना, फिर समझते हैं। तो देखो बच्चों, ने बताया गया है मोर पक्षियों का राजा है। मतलब सभी पक्षियों में जो मेन लीडर बोलते हैं ना, कौन है राजा? कौन? मोर। सभी पक्षियों का राजा कौन है? मोर है। फिर देखो दूसरा, यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मतलब भारत क्या, हमारा देश है ना भारत, उसका राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया है। किसको? मोर को। तो आपके बीच ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि मोर हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो आप क्या बोलोगे? मोर। ओके, फिर देखो, यह बड़े बड़े वृक्षों पर रहना पसंद करता है। मतलब बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, उस पर रहना इसको बहुत अच्छा लगता है। किसको? मोर को। फिर इसके पंख बहुत सुंदर होते हैं, वो तो आपने भी देखे होंगे ना, इसके पंख बहुत अच्छे होते हैं, कलर कलर के होते हैं, ब्लू कलर में, ग्रीन कलर में, मिक्स कलर होता है। और जब ये अपने पंखों को फैलाता है तो बहुत अच्छा लगता है। बारिश के दिनों में मोर अपने पंख को फैलाकर नाचते रहते हैं। और क्या बोलते हैं? म्याऊं बोलते हैं ऐसे। फिर देखो, इसके सिर पर मुकुट जैसी खूबसूरत कलगी होती है। देखिए ना इसके सिर के ऊपर कहाँ पर होती है? इधर। फिर देखो, यह बादलों को देखकर नाचने लगता है। ये बादल को देख के क्यों नाचता है? इसको लगता है कि बारिश आने वाली, तो बादल को देख के वो नाचने लगता है। कौन? मोर। ओके बच्चों, तो हम इतना ही पढ़, मोर के बारे में हमने जाना। ओके, चलो आप भी इसे बता सकते हो, बताओ। चलो फिर से हम पढ़ते हैं। मोर पक्षियों का राजा है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है ना। मोर के बड़े, मोर को बड़े बड़े पेड़ों पर, वृक्षों पर रहना अच्छा लगता है। मोर के पंख बहुत सुंदर होते हैं और मोर के सिर पर मुकुट जैसी खूबसूरत कलगी होती है। वो मुकुट बादलों को देखकर नाचने लगता है। क्यों नाचता है? कि उसको पता है कि बादल आए, इसलिए बारिश आने वाली, इसलिए वो बादलों को देखकर नाचने लगता है। ओके बच्चों, ये हमने क्या पढ़ा? मोर का निबंध पढ़ा। अच्छा लगा? इसको आपको नोटबुक में भी लिखना है। ओके, अब हम दूसरा पढ़ते हैं। ये फूल किसका है बच्चों? ये फूल है कमल का फूल है। कमल का फूल है ना। देखा है आपने कभी पानी में, तालाब में देखा होगा? वो पता है बच्चों, कमल का फूल होता है कीचड़ में होता है। तो जहाँ पर कीचड़ होता है ना, तालाब में नहीं होता, गारा ऐसा होता है, वहाँ पर ये उगता है। कितना अच्छा लगता है, आपने कभी लिया है हाथ में? बहुत अच्छा लगता है बच्चों। तो देखो, हम उसके बारे में जानते हैं। अब फूल को देख के भी हमको आता पता चल जाता है। तो देखो, पहला, जैसे मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी था, उसी प्रकार बच्चों कमल का फूल होता है ना, वो भी हमारा राष्ट्रीय फूल है। ये आपको जानना, ये जनरल नॉलेज का प्रश्न है बच्चों।
कि हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो क्या बताओगे? कमल। और हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर। ओके, फिर देखो आगे देखते हैं। देखो ये रहा, मैंने बताया ना आपको, इसे यह कीचड़ में खिलता है। कमल कहाँ पर खिलता है? कीचड़ में। कीचड़ कैसा? ऐसे नहीं कि हमारे घर के आगे कीचड़ होता है, वहाँ पर नहीं, तालाब में होता है ना, थोड़ा पानी रह जाता है, कीचड़ जैसा होता है, मिट्टी कलकली जैसी होती है, वहाँ पर ये होता है। इसका रंग गुलाबी होता है, इसकी पंखुड़ियाँ बहुत सुंदर होती है। इसका रंग गुलाबी होता है, इसकी पंखुड़ियाँ बहुत कोमल कोमल होती है, बहुत सुंदर होती है। इसके पत्तों का आकार गोल होता है, जैसे ये पत्ते दिख रहे हैं ना, ये नीचे फैले हुए होते हैं, इनका आकार गोल होता है। इसके पत्ते जल के ऊपर तैरते रहते हैं, दिख रहे हैं ना, इसके पत्ते जल के ऊपर तैरते हैं। वो कमल के पत्तों पर पानी नहीं रुकता है, देखो पानी में रहता है, पानी से थोड़ा ऊपर रहता है, पर इसके पत्तों के ऊपर पानी नहीं ठहरता है, पूरा पानी निकल जाता है। तो ये कमल का निबंध हमने पढ़ा। देखो फिर से देखते हैं, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, कमल कीचड़ में खिलता है, इसका रंग गुलाबी होता है और इसकी पंखुड़ियाँ बहुत सुंदर होती है। इसके पत्तों का आकार गोल होता है और इसके पत्ते जल के ऊपर तैरते रहते हैं। कमल के पत्तों पर पानी रुकता नहीं है। ओके बच्चों, तो आज हमने दो निबंध पढ़े, मोर का और कमल का। इन दोनों निबंध को आपको पढ़ना है, देखना है और अपनी हिंदी की नोटबुक में बहुत अच्छी अच्छी राइटिंग से लिखना है। ओके बच्चों, बाय बाय बच्चों।